लाल बूट। एक गांव में एक बहुत सुंदर छोटी सी लड़की रहती थी। उसके पास एक पुराना लकड़ी के बूट का जोड़ा था। उस बूट को पहनकर चलने में उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी और वो उसे चुभते भी थे, लेकिन फिर भी वो कभी रोती नहीं थी। एक दिन उसको रास्ते में एक संदूक मिला जिसके अंदर बहुत सुंदर लाल रंग के बूट थे। उसे वे बूट बहुत पसंद आए। उसने वो बूट पहने और अपनी माँ के पास भागते हुए गई। उसकी माँ बहुत बीमार थी। उसने पहने हुए बूट निकाले ही नहीं। कुछ दिन बाद उसकी माँ गुजर गई। माँ की जाने की वजह से ये लड़की बहुत दुखी हो गई। एक बूढ़ी औरत इस लड़की को अपने घर लेकर आई। उसको रहने के लिए घर और सोने के लिए बिस्तर मिल गया। वो लड़की अब स्कूल जाने लगी। प्रार्थना के लिए वो चर्च में भी जाती थी, लेकिन हर बार वो उस लाल बूट के बारे में सोचती रही जो इस बूढ़ी औरत ने फेंक दिए थे। जैसे ही समय बीतता गया, ये लड़की भी बड़ी हो गई। उसे वे लाल बूट अब छोटे होने लगे थे, इसलिए वह बूढ़ी औरत नए बूट खरीदने के लिए इस लड़की को एक दुकान में लेकर गई। ये बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा उम्र होने के कारण ठीक से देख नहीं पाती थी। ये बात इस लड़की को अच्छी तरह से मालूम थी, इसलिए उसने सोचा कि मैंने वापस अगर लाल रंग के बूट लिए तो इस बूढ़ी औरत को तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। उसने वो बूट खरीद लिए। उस बूट को वो हमेशा पहनती थी। दिन रात वही बूट पहनकर वो स्कूल में और चर्च में भी जाया करती थी। वो ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि बूट पहनकर चर्च में जाना नहीं चाहिए, बड़ों के सामने बूट पहनकर कभी नहीं बैठना चाहिए। उसके बावजूद भी वो ये बूट पहनती थी। एक रविवार के दिन ये लड़की बूट पहनकर चर्च में गई। चर्च के बाहर एक दाढ़ी वाला सिपाही खड़ा था। उसने वो बूट देखे और इस लड़की को वो बूट के बारे में कुछ बोलने लगा, तो वो बूट नाचने लगे और ये लड़की भी उस बूट के साथ नाचने लगी। वो बूट और ये लड़की दिन रात नाचते ही रहे, रुकने का नाम ही नहीं। नाच नाच के वो लड़की भी थक गई, मगर ये बूट रुकने के लिए तैयार ही नहीं। वो बहुत रोते हुए प्रार्थना कर रही थी कि उस बूट को उसके पैर से निकाला जाए, चाहे उसके लिए उसके पैर भी क्यों ना तोड़ने पड़े, क्योंकि ये बेचारी नाच नाच कर बिल्कुल थक गई थी। उसको और नहीं नाचना था, वो बैठना चाहती थी। वो प्रार्थना कर रही थी कि कोई मेरे बूट उतार दो। उसकी प्रार्थना सुनकर वो बूट उसके पैर से निकल गए, मगर दोनों बूट नाचते ही रहे। उसको बहुत सुकून मिला। उसे लगा कि अभी चर्च में जाना चाहिए प्रार्थना के लिए, इसलिए वो चर्च के रास्ते पर चल पड़ी। वो चलती रही, लेकिन चर्च के अंदर जा न सकी, क्योंकि वो बूट चर्च के दरवाजे के सामने नाच रहे थे। वो फिर अगले हफ्ते चर्च में आई, फिर भी अंदर नहीं जा सकी। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन ये लड़की चर्च के अंदर बिल्कुल नहीं जा सकी। चर्च के मुखिया के घर में वो काम करने लगी। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए। पश्चाताप से अंदर ही अंदर वो खुद को कोस रही थी। मरने से पहले क्षमा मिलेगी या नहीं, ऐसा सोचती रहती थी। एक रविवार के दिन वो अकेली घर में प्रार्थना कर रही थी। अचानक एक फरिश्ता आया। उसको मालूम हुआ कि ये लड़की सच्चे मन से प्रार्थना कर रही है, इसलिए वो चर्च को ही उस लड़की के सामने लेकर आया। वो बहुत खुश हो गई। मरने से पहले वो चर्च जाना चाहती थी। वो फरिश्ता उसको लेकर आकाश में गया। उस लड़की ने अपने पैरों की तरफ देखा तो वो खुले ही थे। वो बहुत खुश हो गई।